अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मटन 65। इसके लिए हमें चाहिए, ये हाफ के जी मटन है, मैंने इसे अच्छे से वॉश करके रखा है। ये हमें चाहिए एक अंडा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हम नमक चेक करके डालेंगे। ये 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है। ये 3 टीस्पून मैंने मैदा लिया, ये 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है, ये 2 टेबलस्पून मैंने तेल लिया है, ये 2 टीस्पून सोया सॉस है, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस है, ये एक नींबू का रस है, आप विनेगर ले सकते हैं, मैंने नींबू का यूज़ किया है यहाँ पर। ये 1 टेबलस्पून लहसुन है, मैंने इसे बारीक ऐसे कट करके रखा है। ये 3 टेबलस्पून दही है, ये थोड़े से करियापाक के पत्ते हैं, ये थोड़ा सा फूड कलर है, ये 6 से 8 हरी मिर्ची को मैंने ऐसे दो दो करके रखा। कुकर में मटन को डालेंगे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, हल्दी और थोड़ा सा 1/2 ग्लास से भी कम थोड़ा पानी डालेंगे हम। अब हम इसे 70 से 80% तक कुक करेंगे। मटन अच्छे से कुक हो गया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए 5 मिनट्स तक रखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, हमने पहले भी मटन में ऐड किया था नमक। इसमें ऐड करेंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर, एक अंडा, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसे, अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, अब हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। इसमें फ्राई करेंगे, अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम सभी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सभी ऐसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। देखिए मैंने ऐसे सभी फ्राई कर लिए हैं। पैन में 2 टेबल स्पून तेल डाला है, ऐड करेंगे लहसुन, हरी मिर्ची, मैं इसमें ऐड करूंगी दही। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नींबू का रस और फूड कलर, अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ये मटन के पीसेस, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी ड्राई होने तक अब हम इसे कुक करेंगे। देखिए अभी दही का पानी ड्राई होने तक हम इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। देखिए अब इसका पानी ड्राई हो गया है दही का, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब ये रेडी है बिल्कुल, मैंने डिश आउट कर लिया है, मटन 65 रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।